क्रिकेट जगत में बहुत ही बड़ा न्यूज अपडेट सुनने को मिल रही है। अब होगी रोहित शर्मा की छुट्टी। जी हाँ, बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हार्दिक पांड्या को कप्तानी का कमान संभालने का मौका दे रही है और रोहित शर्मा की कप्तानी से हाथ धोना पड़ सकता है। बीसीसीआई ने इस साल की शुरुआत में रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया था, लेकिन अब बटी हुई कप्तानी के दौर में टीम इंडिया जाने वाली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लगातार दो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की खस्ता हालत के बाद पहला बड़ा एक्शन लेते हुए सीनियर सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया है। बीसीसीआई ने शुक्रवार 18 नवंबर को नई सिलेक्शन कमेटी के लिए आवेदन मांगने का ऐलान किया। इसके साथ ही बोर्ड ने बिना औपचारिक ऐलान किए ही मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा समेत पूरे सिलेक्शन कमेटी का बुढ़िया बिस्तर बांध दिया है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने नई सिलेक्शन कमेटी के सामने सबसे अहम काम दिया है, हर फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान की नियुक्ति, यानी रोहित शर्मा की कुछ कम से कम T20 फॉर्मेट से छुट्टी तय है।